सर, मैं मैं आज आपसे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहती थी so, I am a science student. ठीक है। so, सर, फर्स्ट आप, फर्स्ट ले आप ये बता दें कि CSS होता क्या है और किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए सी एस एस के लिए ओके सी एस एस एग्जाम सुपीरियर सर्विस एग्जाम सी एस एस इज कंडक्टेड बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करता है और ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए होता है वो डिपार्टमेंट कौन से हैं रेलवे पुलिस ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप इंफॉर्मेशन ग्रुप डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कॉमर्स एंड ट्रेड सर्विसेज पोस्टल सर्विस ग्रुप पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिलिट्री लैंड इनकम टैक्स फॉरन ऑफिस और कस्टमर एंड एक्साइज सर्विस ये तमाम डिपार्टमेंट जो हैं ये सी एस एस के क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइन किए जाते हैं और इसमें जो प्रोसेस है सी एस एस का सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होता है फिर मेडिकल टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट है फिर इंटरव्यू होता है ये इसके स्टेप्स हैं जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए लाजमी है ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट को होनी चाहिए इसमें आपने कहा कि साइंस स्टूडेंट और आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं इफ दे हैव ग्रेजुएट डिग्री उनके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसमें मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी आपके पास हो या ग्रेजुएशन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट की मिसकंसेप्शन है अगर वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं तो वो सी एस एस क्लियर कर सकते हैं ये उनकी मिसकंसेप्शन है आप इसकी राइट प्रिपरेशन फॉर राइट डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्किंग इज अ की टू सक्सेस इफ इट इज डन इन अ राइट डायरेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट को या कैंडिडेट्स को सही इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन होना लाज़मी है जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मैं एक साइंस के स्टूडेंट हूँ तो मेरी फ्रेंड आर्ट्स की स्टूडेंट है तो सर हम दोनों सीएसएस क्लियर करना चाहते हैं तो इसमें हम लोगों को सब्जेक्ट्स किस हिसाब से रखने चाहिए ठीक है इसमें सबसे पहले आपको ये जानना लाज़मी है कि सीएसएस जो है ये टैलेंटेड स्टूडेंट का ड्रीम होता है और इसमें इफ इफ यू आर गोइंग टू अपियर इन सी एग्जाम कीप इट इन माइंड दैट यू विल हैव टू कम्पीट अगेंस्ट थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट इट इज वेरी इजी टू क्वालिफाई सी एग्जाम इफ यू हैव अ राइट डायरेक्शन और यू हैव अ क्लियर गाइडलाइन उसमें आपके 12 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको ऑप्ट करने सिक्स हैं और सिक्स ऑप्शनल हैं। हंड्रेड मार्क्स है, का, का है जनरल नॉलेज हंड्रेड मार्क्स का है पाकिस्तान अफेयर ये भी हंड्रेड मार्क्स का है इस्लामिक स्टडीज ये भी हंड्रेड मार्क्स का है और इसमें लास्ट जो इंग्लिश कंपोजिशन ये भी 100 मार्क्स का है इस तरह आपके 600 मार्क्स दिए हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट के हैं और सिक्स जो हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट उसमें ग्रुप्स हैं वो कैसे ऑप्ट किए जाएंगे सबसे पहले आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन का होना लाजमी है वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इसमें फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें इकोनॉमिक्स है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है पोलिटिकल साइंस है कंप्यूटर साइंस है इंटरनेशनल रिलेशन है, ये में है जो आप चॉइस कर सकते हैं वन सब्जेक्ट ऑफ टू हंड्रेड मार्क्स इस एक ग्रुप में से दो सौ नंबर का सब्जेक्ट जो है आप ऑप्ट कर सकते हैं ये ग्रुप दिए गए इसी तरह से ग्रुप टू है उसमें केमिस्ट्री है फिजिक्स है प्योर मैथमेटिक्स है अप्लाइड मैथमेटिक्स है जियोलॉजी है स्टैटिस्टिक है ये आप इसमें से वन हंड्रेड का एक यानी सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं और टू हंड्रेड का एक ठीक है जी तो ये ग्रुप बने हुए हैं इसमें से एटलीस्ट आपको टू हंड्रेड मार्क्स जो है एक ग्रुप में से ऑप्ट करने पड़ते हैं ठीक है ये मुख्तलिफ ग्रुप हैं जो आप देख रहे हैं आपको समझ आ रहा है जी जी सर इसमें आप नेक्स्ट uh, में देखें ग्रुप थ्री जो है इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है गवर्नेंस है एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें से आप 200 हंड्रेड मार्क्स ऑफ कर सकते हैं फिर ग्रुप फाइव है इसमें ब्रिटिश हिस्ट्री है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है यूरोपियन हिस्ट्री है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है हिस्ट्री ऑफ यूएसए इसमें से आप टू हंड्रेड मार्क्स ऑप्ट कर सकते हैं फिर आपके पास ग्रुप नंबर फाइव है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ये हंड्रेड मार्क्स का है बॉटनी जोलॉजी एनवायरमेंटल जेंडल स्टडीज उर्दू लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर इसमें से आप टू हंड्रेड मार्क्स ऑप्ट कर सकते हैं ये मैं एक दफा आपको सब्जेक्ट के ग्रुप बता रहा हूँ फिर हम उस पर बात करते हैं कि हाउ टू ऑप्ट डिफरेंट सब्जेक्ट कि कौन से सब्जेक्ट को आपको उठाना चाहिए किस पे आपकी क्या एनालिसिस होगा ग्रुप नंबर जो हमारे पास सिक्स है इसमें लॉ है इंटरनेशनल लॉ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है मर्चेंडाइल लॉ है मुस्लिम एंड मुस्लिम जोरस प्रविडेंस ये uh, कानून है फिका ठीक है उसके बाद फिलोसफी है क्रिमिनोलॉजी है इसमें से आप हंड्रेड मार्क्स ऑप्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर सेवन है साइकोलॉजी सोशियोलॉजी ज्योग्राफी पंजाबी एंथोपोलॉजी पर्शियन बलोची अरेबिक पश्तो सिंधी जर्नलिज्म ये मैस कम्युनिकेशन इनमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं टू हंड्रेड मार्क्स का नाउ इज बेसिक क्वेश्चन हाउ वी कैन ऑप्ट द सब्जेक्ट आई मस्ट से देर आर सम सम्वेंटी सब्जेक्ट विच गिव्स द मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स टू द स्टूडेंट अब देखें ट्रेंडी सब्जेक्ट होते हैं आपका ट्रेंड चल रहा होता है कि इस वक्त ये सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं आपको मेरी आवाज आ रही है जी सर तो इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ज्यादा मार्क्स देते हैं जैसे पंजाबी आपने नहीं पढ़ा हुआ है आप साइंस स्टूडेंट हैं तो पंजाबी के नोट्स आपको अवेलेबल होंगे और आप इसको बेहतर तरीके से याद करके लिख सकते हैं इससे आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं साइकोलॉजी है एंथ्रोपोलॉजी है जर्नलिज्म है इसमें सबसे पहले आपने ये एनालिसिस करना है आप टीचर्स जो इनके अकेडमीज हैं उनका विजिट करें और स्टूडेंट से मिलें आपको एक एनालिसिस आएगा कि कौन से सब्जेक्ट जो है वो आपको ऑप्ट करने चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि स्टूडेंट को इस पे काम करना चाहिए ठीक है मैं ये कहूंगा कि वो ओपिनियन लें फिर वो एनालिसिस करें कि मैं ये सब्जेक्ट इजीली पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर जी सर सर हमने और अमूमन ये होता है कि जो इंग्लिश ऐसे होते हैं ना उसमें ज्यादा जो तो लोग रह जाते हैं जी, तो उसकी क्या कॉमन रीजन होती हैं कि इंग्लिश ऐसे जो है वो ज्यादा लोग क्लियर नहीं कर पाते ये बहुत कॉमन uh, क्वेश्चन है कि इंग्लिश ऐसे को कैसे प्रिपेयर किया जाए या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट कैसे लिया जाए देखें जी आपको रीडिंग uh, अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी इसमें आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा उसके एडिटोरियल पेज में से मुख्तलिफ जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप सिलेक्ट करें और उसकी न्यूज़पेपर की कटिंग करके आप अपनी नोटबुक में लगा सकते हैं जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पे ज्यादा एनालिसिस हो रहा होता है पोलिटिकल है वो सो, सोशल इश्यूज हैं ठीक है वो वो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है तो आप उसके हिसाब से उसकी कलेक्शन कर सकते हैं एक तो ये बात है फिर इसमें विकैबलरी जो है, हो रही होती है वो आपको सिलेक्ट करना होती है जब आप ज्यादा पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बैठ जाता है और उस स्ट्रक्चर से आप इजिली ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये आपने माइंड को पेव करना होता है जब आपका माइंड उस सिचुएशन को ऑप्ट कर लेता है तो आप इजीली ऐसे आप वक्ती तौर पे कुछ ऐसे इसको याद कर लेते हैं और फिर लिखने चले जाते हैं फिर आपके मार्क्स थर्टी थर्टी फाइव ही आते हैं हंड्रेड में से आउट ऑफ हंड्रेड बाकी सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं ऐसे में आप रह जाते हैं मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि उनके जो मार्क्स हैं ऐसे राइटिंग में बहुत कम आते हैं उसकी बेसिक रीजन यही है आपको वोकैबुलरी आपको अपनी बढ़ानी है वकएब जो है और आपको आपने अपना राइटिंग स्टाइल जो है वो बड़ा बड़ा इफेक्टिव बनाना है और उसके लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगी ये सिंपल है उसकी टिप जो है जी जी सर और एक कॉमन और बात ये है कि स्टूडेंट्स को गाइडेंस कहीं से नहीं मिलती है सर उसके लिए उन्हें अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या कहां अपनी चाहिए से अपनी लेनी चाहिए के बारे में आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखें जी स्टूडेंट को जाके इंस्टीट्यूशन को विजिट करना चाहिए पहले तो वो इन्फॉर्मेशन लेन इकट्ठी करें फिर वो डिसाइड करें अगर वो अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं वो टू टू थ्री मंथ्स वो ज्वाइन कर सकते हैं मैं इसको रिकमेंड करता हूं ताकि एक आप लाइन ऑफ एक्शन आपको मिल जाए इसके लिए लेकिन इसको लॉन्ग टर्म पीरियड में आप इसको ज्वाइन ना करें उससे ये होगा कि आप एडिक्शन पे लग जाएंगे आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे आपको राइट right गाइडलाइन जो है वो लेना लाजमी है मैंने पहले कहा कि हार्ड वर्किंग इज अ की टू सक्सेस लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपकी गाइडलाइन राइट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट को डायरेक्शन नहीं मिलती है जिसकी वजह से उनकी जो हार्ड वर्किंग है वो यूजलेस हो सकती है तो आपने इंफॉर्मेशन लेनी है अकेडमी पे पढ़ाई के लिहाज से इनसार नहीं करना है वहां से इंफॉर्मेशन लेनी है वो आप किसी स्टूडेंट से ले सकते हैं वो टीचर से ले सकते हैं या फिर दो तीन महीने जो है वो अकेडमी को ज्वाइन करके सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है मटेरियल है इकट्ठा करके आप उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दें ये बहुत अच्छा तरीका है जी नेक्स्ट क्वेश्चन

आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर, कर लें और अगर आपके पास पैसे नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सी नहीं कर सकते अः uh, दो तरीके हैं एक मैंने आपको बताया कि कुछ वक्त के लिए एकेडमी ज्वाइन कर लें दूसरा तरीका ये है कि सेल्फ स्टडी जैसे कि अभी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ये आपका फर्स्ट स्टेप है ये अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते मैंने ये वीडियो जो बनाने का मकसद है ये जो लेक्चर आपको आप क्वेश्चन आंसर सेशन है इसका बेसिक मकसद ही यही है कि हम आपको इंफॉर्मेशन दे और इजीली यू कैन प्रिपेयर योर योर सिलेबस ऑफ सीएसएस के ये बहुत आसान है जी 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 सर और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फ्यूचर में CSS देना चाहते हैं लेकिन अभी उनके पास टाइम है और वो उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सर, ऐसी क्या, क्या चीजें करें तो उनके सी एस एस की एग्जाम की फोकस होना बहुत इम्पोर्टेंट है वो आप अपनी सेट करें आप जिसमें हार्ड वर्किंग स्टार्ट करते हैं और हार्ड वर्किंग से बता दिए कि आप अपनी हैबिट बनाएं व्हाट इज योर हैबिट यू हैव टू मेक योर शेड्यूल हाउ टू प्रिपेयर योर एग्जाम ठीक है उसमें शेड्यूलिंग करना बड़ी इम्पोर्टेंट है टाइम लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है और स्टार्ट फ्रॉम टूडे यू शुड नॉट लिंगर ऑन और प्रोकास्टिनेट योर स्टडीज

कुछ लोग बुक्स को और कुछ लोग खुद बनाएं और बने बनाए भी लें दोनों चीजों को आप क्लिक करें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कोई एक फॉर्मेट यूज ना करें इसमें आपने कुछ चीजें याद भी करनी होती हैं कुछ क्रिएटिव होती हैं ये तमाम चीजों को साथ साथ लेके चलेंगे जी सर सर आप हमें कुछ टिप्स दे दें सीएसएस के बारे में कि जिससे हमें आसानी हो सीएसएस को आगे समझने के लिए और उसे क्लियर करने के लिए ओके जी इसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं सीएसएस को करने के लिए पहले आप अपने माइंड को क्लियर करें हाउ टू स्टडी व्हेन टू स्टडी एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएट मेथड ठीक है फाइंड आउट द बैटल प्लेस वेयर यू सिट एंड गैदर योर ऑल मटेरियल उसमें अपनी हैबिट्स को डेवलप करें कि आपने किस तरह से पढ़ना है और उसकी डायग्राम मेथड इस्तेमाल करें फिर इसके लिए प्रॉपर डिस्कशन हो जो सोशल मीडिया हैं उनसे अवॉइड करें ठीक है डिस्कशन करें न्यूज जो चैनल हैं उन उनपे टाइम कुछ आप स्पेंड कर सकते हैं हाफ एन आवर उसके अलावा आप जो है अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए किसी को वो चीजें बता सकते हैं ठीक है वो डिस्कशन हो सकती है टीचर्स के साथ अपने कॉलीग्स के साथ मेट के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हेल्दी माइंड बड़ा होना लाजमी है आपका जो माइंड है वो बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट क्या करते हैं वो बहुत ज्यादा स्टूडियस हो जाते हैं पढ़ाई में अपने आप को ग्रेस्प कर लेते हैं बहुत ज्यादा डीप स्टडीज में चले जाते हैं कि हम बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं इट्स इट्स वेरी इजी टू डू सी एस एस इसके लिए आपका स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है Much stu, become studious. आप बहुत ज्यादा इसमें पढ़ाई में चले जाए और स्टडीज को अपने सर पे सवार कर लें स्टूडेंट ऐसा कहते हैं सी एस एस इज कंसिडर टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ये क्योंकि टीचर ऐसा बताते हैं इन्वायरमेंट हमें इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती है तो हमें इससे भी अवॉइड करना है तो आपको प्रॉपर अपने अपनी हेल्थ कॉन्शियस होना है डाइट प्लान करेंगे साथ में स्टडीज को देखेंगे do proper exercise and i think so what is important to make a discussion with your friend uh, and half hour daily routine mein aap ek to uh, likhenge teen se char pages ye aap apni habit bana le ke aapne din mein तीन से चार पेजेस लिखने हैं एक डेढ़ घंटा आपने डिस्कशन करनी है एक घंटा आपने एक्सरसाइज करनी है और आप पॉजिटिव माइंड के साथ इसको अचीव कर सकते हैं ये मेरे ख्याल से ये बोनस टिप्स और ट्रिक्स हैं स्टूडेंट के लिए अगर वो इन पे अमल करते हैं इसके लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है पासिंग क्राइटेरिया फोर्टी परसेंट है लेकिन पासिंग को आप ना देखें हमने तो विन विन सिचुएशन में जाना है हम पासिंग के लिए नहीं ये काम कर रहे तो हमारा जब आपका गोल बड़ा हाई होगा यानी आप स्ट्रेस से बाहर होंगे अगर आप पास करने के बारे में सोचेंगे तो यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल इसमें आपने यही सोचना है कि मैंने यानी मैंने आ, इसको क्लियर करना है तो आप ये काम कर सकते हैं ठीक है जी जी सर इंशाल्लाह बहुत Thank शुक्रिया so no इंशाल्लाह हम so इस पे और भी सेशन करेंगे थैंक यू वेरी मच